तो आज हम श्यामानंद पंडित जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये जो लेक्चर सीरीज है, ये जितना भी कंटेंट है, ये इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने वृंदावन सीरीज करी है अभी यूट्यूब पे, मैंने उनके लेक्चर से ही प्रभावित होकर ये सीरीज आपको मैं बताने की कोशिश करी हूँ श्यामानंद पंडित जी के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि श्यामानंद पंडित जी जो हैं वो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के एक अतरंग पार्षद रहे हैं। वहां जब चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला को समाप्त करके वापस अपने धाम लौट जाते हैं, तो उनका ये जो संकीर्तन मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए छठ गोस्वामी आए, और छठ गोस्वामियों के बाद ये जो सेकेंड, ये जो जनरेशन है, ये आई जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन जो है इसको, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। तो आपने कई दफा सुना होगा, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने शायद सुना हो कि जी जो शील जीव गोस्वामी पाद हैं, जो षड गोस्वामियों में से हैं, वो अपने तीन शिष्यों को, नरोत्तम दास ठाकुर जी को, श्री निवास आचार्य जी को और श्यामानंद पंडित जी को, ये आप बंगाल भेजते हैं उनकी बुक्स लेकर, जो उनकी ग्रंथ हैं छठ गोस्वामियों ने जो भक्ति के में बारे में लिखे हैं उनको लेकर भेजते हैं बंगाल। तो वहां पे ये तीनों जाते हैं। तो इनमें से जो तीन एक हैं, उनमें से एक श्यामानंद पंडित जी की हम बात करेंगे। तो श्यामानंद पंडित जी का जो जन्म है वो 1535 में हुआ था, चैत्र मास में, नरेंद्र महापुरा वेस्ट बंगाल में। और इनके, अब आप नाम इनका नोट करते जाइएगा, देखिए पहले इनका नाम हम बात कर रहे हैं श्यामानंद पंडित। तो दुर्भाग्यवश इनसे पहले जो इनके माता पिता थे, इनके माता का नाम दुरिका और पिता का नाम कृष्ण मंडल था। इनके जन्म लेने से पहले 7 संतानें उनकी हुई, लेकिन उन सबकी मृत्यु हो गई। तो उनके माता पिता ने ऐसे विचार किया कि अब हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र नाम इनका रखा। तो इनका नाम उन्होंने रखा दुखी, और दुखी इसलिए रखा कि यमराज सोचेंगे कि ये बच्चा ऑलरेडी इतना दुखी है, इसको मैं नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि इसको और दुख नहीं देता हूँ। तो देखिए माता पिता अपने बच्चों के लिए किस किस तरह के प्रयोजन करते हैं कि उन्होंने इसका नाम ही दुखी रख दिया कि अगर वो देखेगा कि इतना दुखी है ये ऑलरेडी, तो इसको और दुख मुझको नहीं देना चाहिए। तो इन माता पिता के बारे में बताया जाता है कि कृष्ण मंडल जो इनके पिता हैं और जो दुरिका माता है, वो बहुत ही पवित्र और धर्मपरायण लोग थे। तो उनके उनके ये पुत्र जो दुखी, जिसका नाम दुखी है अभी, तो दुखी हमें मालूम है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि बाद में मेरा ख्याल से क्विज होने वाला है। तो ये जो श्यामानंद पंडित हैं, इनका जो सबसे पहला नाम जो इनके माता पिता ने इनको दिया था वो था दुखी। तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ये स्कूल जाते थे, है ना, जब वो स्कूल जाते थे तो इनके जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े हैरान रह जाते थे इनकी नॉलेज को देखकर। ये इनका संस्कृत के व्याकरण में, पोएट्री में बहुत अच्छा इनका इंटरेस्ट था, है ना, बहुत इंटरेस्टेड से होते थे और बहुत जल्दी हर चीज को ग्रास्प कर लेते थे, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो आपकी कोई कविता हो, तो इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। और इनकी जो हॉबी या इनका इंटरेस्ट क्या था, इनको चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनना, नित्यानंद प्रभु की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था, इनको बहुत अच्छा लगता था इन दोनों की कथा सुनना। तो जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई, क्या, कि मुझको दीक्षा लेनी है। और तो इन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो आप मुझे अंबिका कानन, एक जगह है वहां पे आप मुझे जाने का, आप मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि वहां पे ये किससे दीक्षा लेना चाहते थे, हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य भक्त जी से जो लेना चाहते थे ये दीक्षा। तो हृदय चैतन्य जी के बारे में बताना चाहूंगी, हृदय चैतन्य जी जो हैं ये डिसाइपल हैं गौरीदास पंडित जी के, और गौरीदास पंडित जी किसके डिसाइपल है, गदाधर पंडित के। तो गदाधर पंडित कौन है, कौन बता देगा मुझको, गदाधर पंडित, श्रेया प्लीज बता दीजिए, गदाधर पंडित आप अनम्यूट करिए अपने आप को। माता जी गदाधर पंडित राधा रानी है, हाँ, लेकिन वो पंच तत्व में से भी एक है। तो आप देखिए गदाधर पंडित
हैं उनके शिष्य हैं गौरीदास पंडित, और गौरीदास पंडित जी के जो शिष्य हैं वो हैं आपके हृदय चैतन्य प्रभु जी, जो जिनसे श्यामानंद पंडित जी, जो इस समय क्या है उनका नाम दुखी, इस समय जो उनका क्या नाम है दुखी जो है, वो उनसे आप यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए जाते हैं अंबिका कानन। तो जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं, तो जैसे ही ये वहां पे पहुंचते हैं तो उनको हृदय चैतन्य देखते हैं, हृदय चैतन्य अधिकारी जब इनको देखते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा बताते हैं कि जैसे जैसे एक बहुत ही पवित्र है या एक वर्चुअस पर्सन को, एक वर्चुअस पर्सन को देखकर बहुत खुशी होती है, ऐसी ही खुशी हृदय चैतन्य अधिकारी जी को दुखी को देखकर हुई। और इसका एग्जांपल एक और भी ले सकते हैं कि जैसा जौहरी होता है, जौहरी क्या करता है वो कांच के टुकड़ों में भी हीरे को पहचान लेता है, ऐसे ही उन्होंने दुखी को पहचान लिया। और उन्होंने क्या किया कि चैत्र मास में ही नहीं, फाल्गुनी मास में, फाल्गुनी होली पूर्णिमा को उनको दीक्षित किया। और अब उनका नाम क्या हुआ, अब उनका नाम क्या था दुखी, और उन्होंने उनको, उनके गुरु महाराज ने उनको क्या नाम दिया, कृष्णदास, दुखी कृष्णदास। तो देखिए अब नाम बदल गया, अब हम इनको किस नाम से पुकारेंगे, दुखी कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर रहकर उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की और उनको बहुत अच्छा लगता था चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनना, नित्यानंद प्रभु की कथा सुनना, ये देखकर उनके गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु महाराज से अनुमति फिर से मांगी कि मुझको धाम की यात्रा करनी है, मैं धाम यात्रा करना चाहता हूँ। तो उनके गुरु को बहुत प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए धाम यात्रा के लिए। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे जितने भी आचार्यज हैं वो धाम की यात्रा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो धाम पे जाके, क्योंकि धाम पे जाने से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। वहां पे जो धाम में जाकर अपनी अलग एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो अलग ही होती है। वहां पे जैसे मेरी कोई, देखिए ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने अपनी एक वैष्णव भजन में ये लिखा है, तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगी इसको कोई थोड़ा सा, माता जी आप कर सकते हैं, सीता ठोकराई माता जी आप क्या इसको, ये दो इसके जो दो पंक्ति, ये जो अंतरे हैं आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी ये पहले ये जो दो पढ़ दीजिए, माधव तिथि से माता जी, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कौरी कृष्ण वसती वसती बोली परम आदरे गौर गौर आमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे ते सब स्थाने मेरी वो आमी प्रणय भगत संगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के, शुद्ध भक्तों की चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है और वैष्णवों की सेवा परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आस्था से, प्लीज बेटा ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए प्लीज, जो धाम के लिए बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। जी माता जी, मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव की लीला दिवसो की मानता हूँ क्योंकि वे भक्ति की जननी है। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूँ। जिन जिन स्थानों की यात्रा मेरे सुंदर भगवान ने की है, प्रेमी भक्तों के संग मैं भी उन स्थानों का भ्रमण करूँगा। तो देखिए हमारे वैष्णव आचार्य कितनी चर्चा करते हैं धाम की यात्रा करने के लिए। तो इसलिए जब उन्होंने अनुमति मांगी दुखी कृष्णदास ने अपने गुरु महाराज जो हृदय चैतन्य अधिकारी जी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। और उसके बाद आठ साल तक इन्होंने जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां की यात्रा करी, और 8 साल के बाद ये वापस लौट के आते हैं। और जब वापस लौट के आते हैं तो उनके गुरु जो है उनका इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए गुरु जो है, गुरु का कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक शिष्य की
जीवन में, वो 8 साल तक रहते हैं, वो वापस लौट के आते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो शिष्य होता है वो दीक्षा के समय अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है और उसको पूर्ण विश्वास होता है कि अगर मुझे कोई भगवत धाम लेके जा सकता है तो वो कौन लेके जा सकता है, सिर्फ मेरे गुरु महाराज ही लेके जा सकते हैं। तो ये विश्वास होता है, तो इसलिए एक गुरु की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। और दूसरा, एक गुरु अपने शिष्य को कैसे देखता है, एक ट्रांसेंडेंटल इन्वेस्टमेंट, जैसे हम देखते हैं ना कितना यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो ऐसे ही आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गुरु, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरा शिष्य है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करेगा, आगे ये जो परंपरा है चलती रहेगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के बाद षड गोस्वामी आए, गदाधर पंडित जो पंचतत्व में थे, उसके बाद गौरीदास पंडित आए, फिर हृदय चैतन्य प्रभु आए, और उसके बाद वो किसको अभी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ये संकीर्तन, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर, दुखी कृष्णदास को। तो वो उनको क्या कहते हैं कि उनकी इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो यहाँ वापस आते हैं तो वो वापस अपनी सेवा में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर हृदय चैतन्य अधिकारी जी उनको एक बड़ी महत्वपूर्ण सेवा देते हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रसन्नता होती है उनका भाव देखकर, उनकी डिवोशन देखकर, उनकी सर्विस एटीट्यूड देखकर। वो उनको कहते हैं कि आप, ये फूलों का बगीचा है, इसमें पानी देने का कार्य आप करें। तो कई दफा हमें लगेगा, अच्छा पानी देने का काम कर रहे हैं, है ना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पौधों में पानी तो माली का काम होता है। लेकिन देखिए, भावना देखनी चाहिए कार्य के प्रति। उनको ये कार्य जब मिला तो दुखी कृष्णदास इतना खुश हुए कि मुझे क्या कार्य मिला है, मेरे को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके जो फूलों का बगीचा है वहां पानी देने का मेरे को कार्य मिला, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं, अगर आपकी चेतना और आपकी कॉन्शियसनेस पर क्लियर नहीं होगी तो वो काम आप सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते, जब वो वहां जाते हैं तो पूरा आंसुओं से भीग जाता है वो पूरा का पूरा बगीचा, वो बहुत खुश होते हैं। तो उनको कार्य क्या मिला है, दुखी कृष्णदास जी को, कि यहाँ पे फूलों के बगीचे में आपको पानी देना है। और पानी देने के लिए पहले क्या किया जाता था, आपको गंगा नदी में जाना है, घड़ा लेके, घड़ा भर के, फिर आके पानी आपको यहाँ देना है। तो वो अपने एक स्टैटिक माहौल में जो रहते थे, उनका एक उन्नत जो था तरंगित मोड में जब वो रहते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कितने घड़े गंगा नदी से भर के आए और उन्होंने फूलों में डाले। वो सारा दिन यही करते थे, घड़ा भरते थे, पानी डालते थे फूलों में, है ना। तो इस तरह से वो सेवा करते रहे बहुत ही प्रेम के साथ। इस तरीके से सेवा करते करते उनको पता नहीं चला कि कब उनके सर पर इतना ज्यादा घड़े लाल आके उनके सर पर जख्म हो जाते हैं, यू नो, वुंड्स हो जाते हैं, और फिर वो इन्फेक्ट भी हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं वॉर्म्स, मतलब उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता चलता, वो अपनी जो सेवा है फूलों में पानी देने की, उसी मन से, उसी प्रसन्नता के साथ करते रहते हैं। तो धीरे धीरे एक दिन जब वो घड़ा भरकर पानी का फूलों में डालने के लिए आ रहे होते हैं, तो उनके जो महाराज हैं, गुरु महाराज, वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं। तो उनको अपने गुरु महाराज को देखते हैं, वो क्या करते हैं, फटाफट घड़ा नीचे रखते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन जब वो दंडवत प्रणाम करते हैं, तब उनके गुरु महाराज एकदम देख लेते हैं कि क्या उनके सर तो इतना जख्म से भरा है और उसमें कीड़े हैं, इन्फेक्शन है। तो उनके गुरु महाराज को अंदर से बहुत पीड़ा होती है, उनके हृदय में बहुत पीड़ा होती है। तो बगल उनका सेवा भाव देखते हैं कि उनके जो शिष्य है उसके मुंह पे शिकन भी नहीं है, वो प्रसन्नता से ये कार्य कर रहा और एक बारी भी शिकायत नहीं करी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे को कोई सर्विस मिले, जरा सी प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, फटाफट जाके ये काम हमारे से नहीं होगा। और देखिए वो कितने कष्ट में भी थे, लेकिन उनकी प्रसन्नता इतनी थी क्योंकि उनका क्या था, वो इस बॉडी से ज्यादा अपनी सोल लेवल पे कार्य कर रहे थे। तो जो उनके गुरु उनको अपने इनको एकदम एम्ब्रेस कर लेते हैं, एकदम उनको प्रेम से अपने गले लगा लेते हैं और क्या करते हैं, अपना हाथ उनके सर पे रख देते हैं, अपना हाथ उनके सर पे रख देते हैं। अब ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि जितने भी हमारे गुरु होते हैं, जितने भी उन्नत भक्त हैं हमारे, उसमें क्या है, एक तो हमारे जो उन्नत भक्त है उनके पास, सबके पास मिस्टिक पास होती है। मिस्टिक पास को क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे मिस्टिक पास को, कोई हेल्प करे मेरी,
हरे कृष्णा, आस्था, मिस्टिक पास, जो योगी लोग योग करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, योगिक शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे ही वो अपना हाथ उसके सर पे रखते हैं तो उसके जख्म और वो जो इन्फेक्शन, वो कीड़े सब गायब हो जाते, सब गायब हो जाता है। देखिए इतनी पावर होती है एक उन्नत भक्त के अंदर। ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि जितने भी ये उन्नत भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उन सबके पास ये पावर होती है, लेकिन वो कभी भी इसको नहीं दिखाते, कभी भी इसको नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो चमत्कार के पीछे जाएं। वो क्या चाहते हैं कि लोग आकर कथा सुने, भगवान की कथा सुने, उनका प्योरिफिकेशन हो और वो वापस भगवत धाम को जा सके। आप देखिए कि आपने कितनी दफा सुना कोई योगी आया, वो पानी पे चल सकता है, ऐसा कर सकता है, लेकिन ये सब पावर जो है इससे भी बहुत ज्यादा पावर उन्नत भक्तों में होती है, लेकिन वो कभी भी शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिख देख रहे हैं कि दुखी कृष्णदास की जो सारे कष्ट हैं वो किसने दूर कर दिए? उनके गुरु महाराज ने दूर कर दिए। और यहाँ पर उनके गुरु महाराज उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल टू गो टू वृंदावन। अब देखिए कितना अजीब साउंड होता है, अभी हमारे को वृंदावन जाना हो तो क्या करना पड़ता है हमारे को? भूमिका क्या करना पड़ेगा अगर हमारे को वृंदावन जाना है? अगर आप वृंदावन जाना पड़ता तो क्या करोगे आप? माता जी कार से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, है ना। लेकिन वृंदावन जाने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि बहुत ही एलिवेटेड प्लेस है वृंदावन। हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग जाके दर्शन करते हैं, लेकिन उस तरह का दर्शन नहीं होता कि जब कोई गुरु आज्ञा देता है कि अब आप एलिवेटेड हो गए हो, आप क्या करो, आप वृंदावन जाओ और राधा कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि अब तुमने जितनी भक्ति कर ली है उससे वो स्थल तुम्हारा सही है, अब तुम पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पे इतनी मर्सी है शीला प्रभुपाद की कि हमारे को वृंदावन से इंट्रोड्यूस कराया, आचार्या से इंट्रोड्यूस कराया। तो जब उन्होंने एक दफा एक लेटर लिखी, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप उसमें से जो मैंने ब्लू में किया है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी को जब भी कोई भक्त लेटर लिखता था तो वो जरूर जवाब देते थे। तो ये लेटर उन्होंने लिखी है यमुना दासी जी को, है ना। तो इसमें एक ब्लू में लिखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेम प्रेष्ठा माता जी आप क्या पढ़ सकते हैं इन आर टेम्पल से प्लीज। हरे कृष्णा, मैं मोबाइल पे देख रही हूँ, बहुत छोटे में दिख रहा है इसलिए नहीं। तो कोई और हेल्प कर दे मेरे को, कौन हेल्प कर देंगे? माता जी मैं पढूं? आप जी मैं पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए भूमिका। माता जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा। ओके, इन अवर टेम्पल्स द डिटीज राधा एंड कृष्णा आर वर्शिप्ड एज लक्ष्मी नारायण with all the opulences of their majestic lordship in Dwarka. The worship of Radha Krishna as they appear in the Vrindavan is a very advanced stage. So we worship them in the temples as Lakshmi Narayan. Actually, there is no difference. He chala gaya screen. Achha, ek minute rukiye, main aapko dikha. Actually, there is no difference. Actually, there is no difference because Lakshmi Narayan is directly the expansion of Radha Krishna. We are following the prescribed method of temple worship as it is the effective program for developing the highest perfection of pure love of Krishna. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये शील प्रभुपाद की मर्सी है। हमको लगता है कि हम किसी को भी आज हम लड्डू गोपाल ले आते हैं, हम राधा कृष्ण लेके आ जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो लेकिन शास्त्रों के हिसाब से इसको नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या बता रखा है कि हमारे को किसकी पूजा करनी चाहिए? कौन बताएगा? राधा कृष्ण की जगह किसकी पूजा करना चाहिए हमारे को? लक्ष्मी,
है ना, लक्ष्मी नारायण की करनी चाहिए, और वो भी कैसे करनी चाहिए, एक और लेटर में वो एक लेक्चर में नेक्टर ऑफ डिवोशन के बताते हैं कि हमारे को सीधी आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमको कैसे करनी चाहिए भगवान की पूजा चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, क्योंकि कोई भी भद्र जीव, कोई भी कंडीशन जो सोल है वो राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकता है। तो मगर हमको कैसे हम कर सकते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु को माध्यम बना के कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी इस्कॉन के टेम्पल है उनमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जहां पे भी राधा गोविंद होंगे या राधा गिरिधारी होंगे या राधा रास बिहारी होंगे, वहां चैतन्य महाप्रभु जरूर होंगे। तो आप भी कभी भी, आप जब भी कुछ भी चीज समर्पण करते हैं तो पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु को प्रभुपाद को समर्पित करते हुए फिर आपको किसको समर्पित करना है, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आप राधा गोविंद तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लेक्चर सीरीज मैंने इंद्रद्युम्न महाराज जो है उनकी सुनी थी, जो परम पूजनीय इंद्रद्युम्न महाराज हैं, बहुत ही अच्छी उनकी सीरीज थी। उन्होंने क्या किया कि हर एक जब भी वो घटना बताते हैं तो हमारे को सिखाने के लिए साथ साथ में कुछ ना कुछ सिद्धांत भी बताते जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, उनको जब परमिशन मिल जाती है दुखी कृष्णदास को, तो वो वहां पर वृंदावन आ जाते हैं, और वृंदावन में आके अब देखिए दीक्षा गुरु कौन है उनके, दुखी कृष्णदास जी के हृदय चैतन्य अधिकारी। और अब वो उनको क्या कर रहे हैं, दीक्षा के बाद क्या होता है, शिक्षा शुरू होती है, तो उनको शिक्षा लेने के लिए वो उनको वृंदावन भेजते हैं, किसके पास, जो षड गोस्वामियों में से शील जीव गोस्वामी पाद के पास उनको भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए। यहाँ पर पहुंचकर वो जीव गोस्वामी जी से राधा कृष्ण जी की के बारे में भक्ति करने का नया जो तरीका है उसको जानते हैं। ऐसा बताते हैं कि वो एक अंडरग्राउंड केव में बैठ के, गुफा बनाकर एक अंडरग्राउंड केव में बैठकर हरे कृष्ण का महामंत्र करते थे, और जब ऐसे करते रहे कुछ समय तो यहाँ पर भी जीव गोस्वामी जी ने उनको एक बहुत अच्छी सेवा दी। यहाँ पे बारी बारी देखिए गुरु जो है अपने शिष्य को सेवा देता है, जैसे हम बात करते हैं ना, तद विद्धि परिपातेन परिप्रेष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन ते ज्ञानेन्ते, कौन मेरे को कंप्लीट करेगा, तत्वदर्शिना, हाँ जी ज्ञानेन्ते तत्वदर्शिना दर्शिना। तो क्या होता है जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं तो हमारे को ज्ञान मिल जाता है, लेकिन वो विज्ञान में कैसे बदलित होगा, ज्ञान का मतलब हम रियलाइज कैसे करेंगे। अब मेरे को किसी ने बता दिया कि मैं आत्मा हूँ भगवान है, लेकिन मुझको दिखता तो नहीं है, मैंने रियलाइज तो नहीं किया, वो रियलाइज कैसे होगा, जब हम लोग सेवा करेंगे। सेवा भी कैसे करेंगे, जैसा हमारा गुरु हमारे को इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे हमारे गुरु हमारे को आदेश देंगे, जैसा वो बताएंगे अगर हम वैसे करेंगे तो हमारा विज्ञान में परिवर्तित होगा। यहाँ पर दुखी कृष्णदास जी को शील जीव गोस्वामी जी जो उनके शिक्षा गुरु हैं उनको एक सेवा देते हैं। क्या सेवा देते हैं, उनको बताते हैं कि आप सेवा कुंज में जाकर आप वहां पे जाकर झाड़ू लगाइए। तो सेवा कुंज के बारे में कौन जाता है प्लीज शेयर करेगा, आप अपने कैमराज बंद मत करिए, जब आप अपने कैमराज बंद करते हैं इसका मतलब आप कोई और काम में लग गए, बोर मत होइए, अच्छी अच्छी कथा है अभी, इंटरेस्टिंग आएगा, डोंट ऑफ योर कैमराज, क्योंकि जब हम अपना कैमराज ऑफ करते हैं तो फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, हमारा जो माइंड है वो बड़ा शातिर है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, मुझे कौन याद दिलाएगा, सेवा कुंज जी, सॉरी आप सेवा कुंज के बारे में बता रहे हैं। तो सेवा कुंज के बारे में हमारे को नरसिंह सुती माता जी सेवा कुंज के बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे को, आप गए सेवा कुंज? गई हूँ, सेवा कुंज जो है ये बहुत ही उन्नत जगह है वृंदावन में, ये राधा रमन और राधा गोपीनाथ जो मंदिर है उसके पास में है, यहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत ही गुप्त लीलाएं यहाँ पे होती है। तो इस जगह को यहाँ पर झाड़ू लगाने का काम जो उन्होंने दुखी कृष्णदास को दिया, दुखी कृष्णदास को ये जब काम मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब तो सोचो झाड़ू लगाने का काम किसी को मिले है तो वो खुश क्यों हो रहा है, एनी गेसेस क्यों खुश हो रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम मिला है किसी को क्यों खुश हो रहे हैं, कहाँ मिला है झाड़ू लगाने का काम,
उनको झांकने का काम मिला है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में जो व्रज रज है वो कैसी है, वो राधा गोविंद के जो चरण कमल है उनको छूके रहती है, तो वो इतना खुश होते हैं, हाँ तो इतना खुश हो जाते हैं, इतना आंसुओं से भिगो देते हैं उस जगह को कि मुझे वो जगह पे आने का मौका मिल रहा है जहां पे राधा कृष्ण आते हैं, गोव्रज गोपियां आती हैं, यहाँ नृत्य करते हैं, यहाँ रास लीला होती है, ये उनके चरणों की धूली है, तो वो प्रेम से उस धरती में उस भूमि में व्रज रज में लौटने लगते हैं और बड़े प्रेम से ये सेवा करते रहते हैं। और ये सेवा करते करते एक दिन क्या होता है, जब वो यहाँ पर आते हैं सेवा कुंज में अपना कार्य करने के लिए, उससे थोड़ी देर पहले की बात करते हैं हम लोग, राधा कृष्ण जो है नित्य वहां पे आते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की लीला होती है राधा कृष्ण की, एक होती है प्रकट लीला और एक होती है अप्रकट लीला। तो मैं माता जी से बोलूंगी, माता जी थोड़ा सा बता दीजिए अप्रकट और प्रकट लीला के बारे में। प्रकट लीला वो होती है जो हम देख सकते हैं, है ना, और अप्रकट लीला होती है जो हम देख नहीं सकते। तो भगवान कभी कभी लगता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वहां लीला चल रही है, इसको अप्रकट लीला कहते हैं। प्रकट लीला जो हम देख सकते हैं, जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह है, उनका श्रृंगार उत्सव, उनका जगन्नाथ यात्रा, ये सब प्रकट लीला। आई थिंक सो, थैंक यू माता जी, बहुत थैंक यू आपके लिए। तो यहाँ पर वो क्या होता है कि उससे थोड़ी देर पहले जब वो वहां पे झाड़ू लगाने का अपना कार्य करने के लिए आते हैं, उससे थोड़ी ही पहले वहां पर क्या हुआ होता है, रास नृत्य हुआ होता है राधा कृष्ण और ब्रज गोपियों का, और उस रात को कंपटीशन होता है राधा में और कृष्ण में और ब्रज गोपियों में, बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन होता है। जब कॉम्पिटिशन होता है तो क्या होता है, बहुत तेज डांस होता है, होता है कि नहीं, आप लोगों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो क्या होता है, बहुत तेज डांस होता है। तो आपको मालूम है जीतेगा कौन, कौन जीता होगा, एनी गेसेस, जीतता कौन है हमेशा, राधा रानी। हाँ, राधा रानी जीतती है। तो राधा रानी जीत, वो इतना 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 तेज के अंदर, इतना स्पीड के अंदर वो डांस करती है, वो डांस करते करते क्या होता है, नृत्य करते करते उनके उल्टे पैर से उनका बहुत सुंदर एंकलेट या नुपुर जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है मंजू घोष। अब देखिए, आप कभी आपने अपनी पाजेब को नाम दिया है, लेकिन क्या होता है जो ये जो लीला है उसके अंदर, जब आपकी भगवान के धाम में जितनी भी चीजें हैं उन सबको, वो एक पर्सन है, तो उसका क्या नाम है, कौन ध्यान रखेगा क्या नाम है उस एंकलेट का, क्या नाम है, मंजू घोष। वो एक गोल्डन कलर का उनका पाजेब है या नुपुर है, और वो क्या होता है, और उसके अंदर सफायर लगे हुए, सफायर मतलब नीलम, बहुत सुंदर, वो वहां गिर जाता है। और जब वो राधा रानी जब वो घर पहुंचती हैं, तब वो देखती हैं कि उनके पैर में तो वो नुपुर नहीं है, उनके जो लेफ्ट पैर में वो नुपुर वो गिर गया। तो फिर वो क्या करती है, वो ललिता जी को बुलाती है और ललिता सखी को बोलती है कि आप जाओ सेवा कुंज में और मेरा जाकर वो नुपुर लेके आ। तो अब यहाँ पे लगता है कि ये जो काम है, नुपुर गिरा है, तो किसी मंजरी को भी दिया जा सकता है। मंजरियां कौन होती हैं, जो सखियों की भी दासी होती हैं, जो सखियों की भी सेवा करती हैं। तो लेकिन यहाँ पर किसको ये सेवा दी गई, ये ललिता सखी को दी गई। तो ये क्यों दी गई सेवा, ये अभी हम अभी आगे जानेंगे। तो अगले दिन जब सुबह वहां पर सेवा कुंज में दुखी कृष्णदास आते हैं और वहां पर इसको वहां पे सफाई करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, उनको एक चमकती हुई चीज दिखती है। उससे पहले उनको क्या दिखता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जो ये कुकू बर्ड है और जितने भी बर्ड्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से चहक रहे हैं, बहुत उत्साह में चहक रहे हैं, और जगह जगह पे उनको चमेली के फूल बिखरे हुए दिखते हैं, एक अलग सी तरंग दिखती है उनको सेवा कुंज में, और वो उसी प्रेम विभोर होकर आंखों में आंसू लेकर वहां पे साफ करना शुरू करते हैं। फिर अचानक उनकी नजर पड़ती है अनार के पेड़ के नीचे, एक अनार का पेड़ है वहां पे, उनकी नजर पड़ती कि वो अनार का पेड़ चमक रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं, देखते इतनी रोशनी आ रही है, इतनी आभा आ रही है, तो उनकी नजर पड़ती कि वहां पे एक नुपुर पड़ा, ठीक है। तो वो उसके और करीब जाते हैं और अपना जो स्पेड होता है या फावड़ा या कुल्हाड़ी जो होती है जिससे वो काम कर रहे होते हैं वहां पे सफाई का, उससे उसको छूते हैं, तो क्या था,
एकदम, वो क्या बन जाता है, वो 24 कैरेट गोल्ड का बन जाता है, वो जो कुल्हाड़ी या वो जो स्पेड होता है। तो वो बड़े हैरान होते हैं ये क्या हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं, बैठकर उस कंगन को कंगन को नहीं नुपुर को अपने हाथ में लेते हैं, है ना। आपको दिखाते हैं, तो उस कंगन को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। देख रहे हैं आप, इतना सुंदर कंगन है, एकदम इसमें से रोशनी आ रही है। तो इसको अपने हाथ में ले लेते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, तो उनके अपने हाथ में लेते ही उनके पूरे बदन में रोमांच हो जाता है, उनको एकदम अलग सा फील। तो उनको बहुत उत्साहित फील होता है, और तभी एक आकाशवाणी होती है, प्लीज कीप इट केयरफुली। क्या आवाज आती है उनको, प्लीज कीप इट केयरफुली, इसको ध्यान से रखिए। तो बड़े ध्यान से उसको अपने एक कपड़े में बांध लेते हैं। वो जैसे ही बांध लेते हैं तो ललिता सखी वहां आ जाती है, और ऐसे अपने ललिता सखी के रूप में नहीं आती, एक ब्रज गोपी के रूप में आती है, और आके क्या बोलती है उनको कि मेरा नाम है राधा दासी और मैं जावट गांव से आई हूँ। आपको पता ना राधा रानी का ससुराल कहाँ है, जावट में। तो अपना नाम क्या बताती है कि मेरा नाम है राधा दासी। तो वो कहती है कि मेरी एक बहन है, वो कल यहाँ पर आई थी फूल चुनने के लिए, उस दौरान में उसकी एक पाजेब यहाँ पे नुपुर यहाँ पे गिरा है, आपको मिला है क्या। तो दुखी कृष्णदास सोचते हैं कि ये कहते मुझे मिला तो है, लेकिन उनको बड़ी साधारण लग रही होती है ब्रज गोपी, तो वो कुछ नहीं बोलते। तो वो बोलते कि मुझे मिला तो है, लेकिन क्या आपका है। वो बोली कि हाँ हमारा है। तो फिर भी उनको थोड़ा डाउट होता है, तो वो फिर ललिता सखी को समझ में आता है, वो कहती कि ठीक है हम लोग ब्रज गोपी हैं, ठीक है हम साधारण हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। तो भी दुखी कृष्णदास राजी नहीं होते हैं उसको देने के लिए। तो ललिता सखी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है कि इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, अभी मुझे राधा रानी की और सेवा भी करनी है। तो उनको बोलती कि ठीक है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी बहन के पास लेके जाती हूँ, और आपको अगर ठीक लगे तो आप उनको वो दे दीजिएगा। तो वो उनको वो फिर इस बात के लिए दुखी कृष्णदास राजी हो जाते। तो उनको ले जाती हैं, उनको पहले कहां लेके आती हैं, ललिता कुंड पे, और उनको क्या बोलती हैं कि आप एक काम करो, आप ये यहाँ पर स्नान करो। तो दुखी कृष्णदास बोलते हैं कि भाई किसी से मिलने जाना, सुबह में नहा के आया हूं अपने घर से, मैं फिर से क्यों स्नान करूं, है ना। लेकिन वो स्नान करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है ललिता सखी को कि कुछ तो बात है। तो फिर वो ललिता सखी क्या करती हैं, अपना जो ललिता सखी का स्वरूप है वो उनको दिखाती हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये राधा रानी की सखी हैं। तो वो स्नान कर लेते हैं, और ललिता कुंड में स्नान करते ही क्या होता है, ललिता उसमें स्नान करते ही, वो जब स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्होंने ब्रह्मचारी के गेहुए कपड़े पहने होते हैं, और उनका वर्ण कैसा होता है, उनका स्किन का कलर कैसा होता है, एकदम फेयर होता है। लेकिन जैसे ही वो स्नान करते हैं, एक तो उनके पूरे के पूरे कपड़े, है ना, एक व्रज गोपी में वो परिवर्तित हो जाते हैं सुंदर आभूषणों के साथ, और उनका वर्ण कैसा होता है, उनके स्किन का कलर कैसा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है ना। तो इनको लेकर वो राधा रानी के पास लेके जाते हैं, जहां राधा रानी कहां पे है, राधा रानी हमेशा अपनी सखियों के पास वहां पे रहती, वहां पे उनको लेके जाती हैं ललिता सखी, किसको, ये आप ये देख रहे हैं, ये दुखी कृष्णदास। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचती हैं जो विशाखा सखी, जो एकदम पास में होती हैं राधा रानी के, वो उनको क्या बोलती हैं, वेलकम होम कनक मंजरी, कनक मंजरी अपने घर में आपका स्वागत है। तो ये जो श्यामानंद पंडित हैं, ये कनक मंजरी का कनक मंजरी ने यहाँ पे अवतरित हुई है, कि ये उनका जो गोलोक वृंदावन धाम है उसमें वो कनक मंजरी है। तो ऐसा गौन पुस्तिका में लिखा हुआ है। तो जब वो वहां राधा रानी को देखते हैं, अब जो कनक मंजरी बन गई, तो उनको बहुत हैरानी होती है, उन्हें बहुत खुशी भी होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो नूपुर है मंजू घोष, वो उनको राधा रानी को समर्पित
कर देते हैं। और तो अभी तक आपको ओके लग रहा है? ओके लग रहा है? हरी बोल चीची। यस माता जी। तो उनको वो दे देते हैं यहाँ पर, और देने के बाद जब वो उनको दे देते हैं तो राधा रानी उनको देख के बहुत प्रसन्न होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ललिता सखी को क्यों भेजा था उन्होंने, क्योंकि आप यहाँ पे समझिए कि अगर आपको राधा रानी के पास जाना है तो ललिता सखी के थ्रू भी आपको जाना होता है ना। आप कोई भी डायरेक्ट सेवा राधा रानी की नहीं कर सकता, उसको कैसे जाना होगा? ललिता सखी के थ्रू जाना होता है। इसीलिए वो ललिता सखी को भेजती हैं इनको लाने के लिए, क्योंकि उनको जो उनकी सेवा भाव है, जो उनका भक्ति भाव है, उससे राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब वो उनको नुपुर देते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं उस नुपुर से, जो उनका नुपुर है उससे उनको एक तिलक लगा देती है। आप देखिए ये तिलक को बोलते हैं श्याम मोहना। ये तिलक लगाया जो स्वयं राधा रानी कनक मंजरी के पे लगाती हैं, इसका नाम है श्याम मोहना बोलते हैं इस तिलक को। ये इस तिलक कैसा होगा, जब वो नुपुर को प्रेस करती हैं उनके माथे पर, तो वो क्या हो जाता है, वो राधा रानी के चरण बन जाते हैं। देखिए ये राधा रानी के चरण बन जाते हैं, इसको श्याम मोहना बोलते हैं। फिर वो क्या करती हैं, अपने हाथ में केसर चंदन कपूर ये सबको मिक्स करके एक छोटी सी डॉट लगाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो तिलक है इसको बोलते हैं श्याम मोहना। इस साथ वो क्या करती हैं उनका, और उनसे क्या बोलती हैं कि आपका जो नाम है आज से वो क्या होगा, श्यामानंद। तो क्या एक चीज, एक तो उनको तिलक लगा देती है वो, और उनके यहाँ पर चेस्ट के ऊपर उनका नाम भी लिखा जाता है। क्या नाम है? श्याम मोहन। तो ये सब जब इतना प्रेम कनक मंजरी को मिलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो अब राधा रानी उनको बोलती है कि आप अब एक काम करो, आपको जो ये भाग्य प्राप्त हुआ है मुझसे मिलने का और ये वृंदावन की अप्रकट लीला में आने का, ये जाकर आप सबको बताओ। लेकिन कनक मंजरी क्या बोलती है, अब जो राधा रानी से मिलेगा क्या वो वापस आना चाहेगा? वो बोलती कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं पे आप रख लीजिए। बोले कि नहीं, आपको वापस जाना चाहिए। और लेकिन वो बहुत रोने लगती हैं, उनके पैर पड़ जाती हैं। तो राधा रानी का जो हृदय है वो एकदम पिघल जाता है, और उनकी हृदय से वो क्या एक विग्रह को प्रकट करती है। इस विग्रह का नाम किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा इस विग्रह का नाम? इनका नाम है श्याम सुंदर। ये राधा रानी के प्रिय विग्रह हैं। ये कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं से मैनिफेस्टेड, ये इसको बोलते हैं। इसको माता जी हिंदी में क्या बोलेंगे, सेल्फ मैनिफेस्टेड को, जो डीटीज होते हैं? मैं थोड़ी हेल्प ले रही हूँ माता जी से। स्वयं प्रकट हो जाता है इस डीटी को किसी ने? मतलब आप देखिए कि अब हम जैसे अपने टेंपल में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी जयपुर से या कहीं से हमने लिए, लेकिन ये जो डीटी है ऐसे ही कैसे प्रकट हुआ है, राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। तो राधा रानी क्या करती है, इसको ये जो श्याम सुंदर जो उनका बहुत ही प्रिय विग्रह है वो क्या करती है, ललिता सखी को देती है, और ललिता सखी कनक मंजरी को दे देती है। और वो जैसे ही प्रणाम करती है कनक मंजरी, तो क्या होता है, और इससे पहले उनका नाम भी बताते हैं। एक तो उनके तिलक का क्या नाम था, श्याम मोहना, और राधा रानी क्या बोलती है, आज से आपका नाम है श्यामानंद। श्यामानंद का मतलब है श्यामा, श्यामा मतलब राधा रानी, जो राधा रानी को आनंद देता है, ऐसा है, ऐसे हैं आप। तो आपका नाम क्या हुआ आज से, श्यामानंद। तो उनका नाम हो गया श्यामानंद। और जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए झुकते हैं कनक मंजरी, तो जब वो उठते हैं तो वापस वो कौन बन जाते हैं, कौन बताएगा कौन बन जाएंगे वो वापस? वो वापस श्यामानंद बन जाते हैं। क्या क्या उनके पास क्या क्या होता है, वो फावड़ा होता है जो किसका बन गया है, 24 कैरेट गोल्ड का बन गया है, और उनके शरीर का वर्ण कैसा हो गया है, एकदम गोल्डन हो गया है, उनके माथे पे तिलक है श्याम मोहना, और उनके चेस्ट पे क्या लिखा गया है, श्याम मोह, क्या लिखा गया है, श्यामानंद।
तो इतना खुश हो जाते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो भागते हैं। है? कहाँ भाग के जाएंगे, कौन जल्दी में भागते हुए किसके पास आते हैं, अपने शिक्षा गुरु के पास आते हैं। उनके शिक्षा गुरु हैं शील जीव गोस्वामी पाद। तो शील जीव गोस्वामी पाद जो पाद हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बहुत समय तक श्यामानंद जी जो हैं वो श्याम सुंदर की बहुत अर्चना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पूजा करते हैं। कुछ समय के बाद एक दफा रात में, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो पूजा पाठ करते, तो अब कुछ समय के बाद जो श्याम सुंदर उनके विग्रह हैं वो उनके सपने में आते हैं, श्यामानंद जी के सपने में आते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास में एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का, भरतपुर, वहां पे मेरी राधा रानी प्रकट हुई है, आप जाके उनको लेके आ जाओ और हमारा विवाह करो। तो ऐसी एक खेली लीला वो रचाते हैं और श्याम सुंदर जी के साथ उनकी राधा रानी का जो विग्रह है वो लेकर आते हैं श्यामानंद प्रभु जी। तो देखिए, अब आप अगर कभी दर्शन के लिए जाएंगे, आप कहेंगे कि माता जी ने तो यही बताया था कि श्याम सुंदर है, ये राधा रानी कहाँ से आई। तो राधा रानी को लाने के लिए आज्ञा कौन देते हैं, श्याम सुंदर जी उनके प्रकट होते हैं, उनको सपने में उनको आज्ञा देते हैं। तो उनकी इस तरह से बहुत समय तक सेवा करते रहते हैं। उसके बाद शील जीव गोस्वामी पाद, मैंने आपको बताया था तीन लोगों को बंगाल भेजते हैं हरि कृष्ण, ये जो गौरांग जी का मूवमेंट है, जो बहुत शास्त्र लिखे हैं हमारे गोस्वामियों ने, उसका वितरण करने के लिए बंगाल में। तो तीन लोग वहां पे जाते हैं, एक श्यामानंद प्रभु, जो ये प्रभु का जो उपाधि है ये शील जीव गोस्वामी पाद उनको देते हैं, उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों लोग जाते हैं बंगाल। बंगाल में जब ये जाते हैं तो इनके पास एक बैलगाड़ी होती है जिसमें सारे शास्त्र रखे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी किताबें होती हैं भक्ति की वो सारी की सारी चोरी हो जाती है। इसकी भी एक कथा है, इसको हम आज नहीं करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये जो किताबें गुम हुई हैं इनको मैं ढूंढूंगा, आप दोनों क्या करिए। वो बोलते हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं कि आप ईस्ट बंगाल जाइए, खेचरी गांव जाइए, वहां जाके प्रचार करिए इस हरि कृष्ण संकीर्तन मूवमेंट का। और श्यामानंद प्रभु से बोलते हैं कि आप कहाँ जाइए, आप उड़ीसा जाइए, जहाँ पे उड़ीसा में जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, पुरी जाइए, आप वहां पर जाकर ये प्रचार करिए और वहां पे आप प्रचार करिए। तो ये दोनों, फिर श्यामानंद प्रभु जी हैं जो वो उड़ीसा में आ जाते हैं और उनको ऐसी आज्ञा होती है अपने विग्रह से कि यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है रसिकानंद, उसको तुम अपना डिसाइपल बनाओ और ये हरे कृष्ण मूवमेंट को बहुत प्रचार करो। तो पहला जो श्यामानंद प्रभु जी का जो डिसाइपल है उसका नाम क्या है, रसिकानंद पंडित। तो ये दोनों मिलकर बहुत प्रचार करते हैं उड़ीसा में, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, किताबों का जब तक मिल चुकी होती है उनका वितरण करते हैं। तो एक दिन ये दोनों कहीं पे जब प्रचार कर रहे होते हैं, जो रसिकानंद जी हैं उनका एक मित्र है जिसका नाम है दामोदर पंडित, उनके घर में ये रात को रुकते हैं। जब वो रात को रुकते हैं तो जो उनके जो शिष्य हैं श्यामानंद प्रभु जी के, क्या नाम है उनका, रसिकानंद, वो दामोदर पंडित जो उनके मित्र हैं उनसे कहते हैं कि ये जो मेरे गुरु हैं ये बहुत उन्नत हैं, आप भी इनसे दीक्षा ले लीजिए। लेकिन दामोदर पंडित जी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ स्पेशल दिखेगा ना गुरु में तभी मैं दीक्षा लूंगा। तो ऐसा कहकर वो रात को सो जाते हैं। सुबह उठते हैं जब दामोदर पंडित, उनको लगता है कि कहीं कुछ श्यामानंद प्रभु जी हैं जो हमारे घर में आए हैं, उनको कुछ चाहिए ना हो, तो क्या करते हैं उनके कमरे में जाते हैं। वहां पर वो क्या देखते हैं कि जो श्यामानंद प्रभु हैं वो चैंटिंग कर रहे हैं ना, वो चैंटिंग करें, और पूरा कमरा जो है एक बहुत ही उजाला उस कमरे में है, बहुत प्रकाश फैला हुआ है। उसी समय दामोदर पंडित को एक विजन होता है, वो उनको क्या दिखाई देता है, उनको एकदम लगता है कि वो कमरा जो है वृंदावन बन गया,
वृंदावन में एक बहुत सुंदर कुंज में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, राधा जो श्याम सुंदर जी हैं वो बैठे हैं एक रतन सिंहासन पे केसरिया वस्त्र पहनकर, और उनके आगे श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी के रूप में फूल उनको ऑफर कर रहे हैं। तो ये दृश्य वो अपने आंखों के सामने उस कमरे में देखते हैं, तो उनको फिर रियलाइज होता है कि ये तो बहुत बड़े कोई उन्नत भक्त है, तो वो क्या करते हैं उसी समय उनके चरण पकड़ लेते हैं और वहां पर फिर श्यामानंद प्रभु उनको भी इनिशिएट कर देते हैं, मतलब उनको भी दीक्षा दे देते हैं। इसी तरीके से ही अपना प्रचार कार्य तीनों लोग आगे बढ़ाते रहते हैं और भी बहुत सारे लोग को इनिशिएट करते हैं। एक दफा ये एक प्रचार कार्य की वजह से किसी दूसरे नगर में जा रहे होते हैं तो कुछ सैनिक जो हैं मुसलमान सैनिक जो हैं इनको पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ के क्या करते हैं जेल में डाल देते हैं। तो जब वो जेल में डालकर चले जाते हैं तो रात में जो उसमें पुलिस का जो मतलब हेड होते हैं उनको रात में स्वप्न में नृसिंह भगवान आते हैं और बोलते हैं कि ये आपने किसको पकड़ा है, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है, आप उसको अभी छोड़ दीजिए। तो वो जो पुलिस के हेड कमांडेंट होते हैं वो शीघ्र ही जाते हैं जेल में, और जिस जेल के कमरे में उनको जेल के जिस जगह पे वहां पर उन्होंने बंद कर रखा होता है तो वो देखते हैं वो पूरा प्रकाशित है एक उजाले से, तो वो जल्दी से वहां खोलते हैं और श्यामानंद प्रभु जी के चरण पकड़ लेते हैं। तो श्यामानंद प्रभु उन पर भी दया करते हैं और वो वहां पर उनको भी इनिशिएट करते हैं। इसी तरह से वो अपना प्रचार कार्य और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। एक दफा क्या यहाँ पर एक घटना का और भी वर्णन आता है कि वो एक बारी एक नदी के किनारे बैठे होते हैं श्यामानंद प्रभु अपना चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो वहां से एक मायावादी सन्यासी निकलता है और मायावादी सन्यासी क्या बोलता है उनको देख के बोलता है कि ये देखो हिपोक्रेट, इज अ हिपोक्रेट वैष्णवा, हिपोक्रेट मतलब ये ढोंगी वैष्णव है। तो श्यामानंद प्रभु क्योंकि वो बहुत विनम्र होते हैं वो कुछ नहीं कहते, और वहीं पर एक मगरमच्छ एक क्रोकोडाइल भी होता है ना, तो उस क्रोकोडाइल को देखकर या मगरमच्छ को देखकर जो श्यामानंद प्रभु कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तुमको ये घृणित योनि में जन्म मिला है, आप एक काम करो आप भगवान कृष्ण की आराधना करो या उनसे दया की याचना करो क्योंकि वो बहुत दयालु है वो आप पर जरूर दया करे। ऐसा सुनने के बाद वो जो मगरमच्छ है वो क्या करता है वो धीरे से चलकर उनके चरणों के पास आता है। किसके चरणों के पास आ जाता है श्यामानंद प्रभु, और वो जितना झुक सकता है एक मगरमच्छ के लिए जितना पॉसिबल है उतना झुक के उनको प्रणाम करते हैं और श्यामानंद प्रभु क्या करते हैं उनको चैंटिंग के द्वारा इनिशिएट कर देते हैं और वो जो मगरमच्छ है वो वापस शांति से कहाँ चला जाता है नदी पे चला जाता है। ये सब घटनाक्रम जो मायावादी सन्यासी जिसने उनको ढोंगी वैष्णव बुलाया था सब देख रहा होता है और ऐसा देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो भागता है और उनको चरणों में क्षमा मांगता है और वहां पर उनसे याचना करता है कि वो उनको अपनाए उनको अपना शिष्य बनाए। तो श्यामानंद प्रभु तो बहुत वैष्णव तो आपको पता है कि कितने दयालु होते हैं, तो वो उनको भी अपना शिष्य बनाते हैं और उसका उनको नाम क्या देते हैं शंकर दास, उनको नाम देते हैं शंकर दास। ऐसे बहुत सारी लीलाएं उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं। एक और घटना आती है, एक दफा एक बहुत बड़े नगर में वो जाते हैं, वहां के राजा का नाम होता है शेर खान, तो वहां पर ये संकीर्तन कर रहे होते हैं हजारों की मात्रा में भक्त लोग, तो ये जो मुस्लिम राजा है इसको बहुत क्रोध आता है, ये वहां जाता है अपने सैनिकों को लेकर और इन भक्तों के ऊपर हमला कर देता है। तो श्यामानंद प्रभु क्या करते हैं जोर से पुकारते हैं, चलिए हम भी पुकारते साथ में, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो ऐसा पुकारने से क्या होता है कि उसी समय ये जो उनके उनको उनके जो बालों में और उनकी दाढ़ी में आग लग जाती है, जितने भी सैनिक हैं और जो राजा भी वहां स्वयं आया है, और उनको खून की उल्टी होने लगती है, तो वो लोग सब घबरा जाते हैं। वो क्या करते हैं पास में ही एक नदी में जाकर शरण लेते हैं जिससे उनके बालों की आग और ये जो जो उनके पर स्थिति आई है वो कंट्रोल हो सके, और वो वहां से फिर चले जाते हैं।
जब वो अपने घर जाते हैं तो वो राजा जो शेर खान है वो बहुत परेशान होता है, वो सोचता है ये मेरे साथ ना सिर्फ मेरे साथ, मेरे इतने सारे सैनिकों के साथ ये सब ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वहां पर इतना सोचने से क्या होता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद सोचता रहता है और फिर सो जाता है। सो जाने के बाद उसको सपने में कौन आता है, अल्लाह। आप जानते हैं मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह आता है और उनको एक खींच के छाता लगाते हैं, बोलते कि तुमने ये क्या किया, तुम किसका कीर्तन रोक रहे थे, ये जो श्यामानंद प्रभु है, ये चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मूवमेंट से जुड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु मेरी ही एक फॉर्म है। तो शेर खान जो है वो उठ जाते हैं और सुबह जाकर श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं और श्यामानंद प्रभु उनको भी इनिशिएट करते हैं और उनका नाम क्या रखते हैं, चैतन्य दास। ऐसा शास्त्रों में ऐसा अगर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की में सब जगह लिखा है कि ये बहुत बड़े भक्त बने जो चैतन्य चरण दास जो शेर खान थे पहले, और उन्होंने बहुत प्रचार कार्य किया, बहुत ज्यादा उन्होंने जुड़ के प्रचार किया, हरि नाम किया और बहुत बड़े भक्तों में से श्यामानंद प्रभु के थे। तो आप देखेंगे कि जैसे एक सूरज है वो भी किसी भी चीज को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही जो वैष्णव होते हैं जो भी उनके शिष्य होते हैं उनको एम्पावर कर देते हैं या उनको भी उतना ही पावरफुल बना सकते हैं, देते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से ये हरि नाम का वितरण कर सके। कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु एक बहुत बड़ा वैष्णव उत्सव को आयोजन करते हैं जिसमें ऐसे बताते हैं कि 1,00,000 उस समय के जो उन्नत वैष्णव हैं, महंत हैं, उस वैष्णव उसमें उत्सव में आते हैं और वहां पे उन सब वैष्णवों के चरणों को किससे धोया जाता है, जल से धोया जाता है। और अभी भी आप वो मंदिर जो है ये है आपका गोपी वल्लभपुर, वहां पे जाएं तो अभी भी इन 1,00,000 वैष्णवों के चरणों का जो जल है आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो जिन्होंने ये कथा सुनाई बहुत अच्छी, ये जो लेक्चर्स हैं हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज, उनको अवसर प्राप्त हुआ, उन पर राधा रानी की कृपा है कि वो बता रहे थे कि उन्होंने भी एक कप जल इन वैष्णवों का कृपा का पिया है। तो हम देखते हैं ये कितना अच्छा एक उनको प्राप्त हुई है, ये किस लिए प्राप्त होती है, क्योंकि उनके ऊपर गुरु की मर्सी, शील प्रभुपाद की उनके ऊपर बहुत दया है। इसी चर्चा में थोड़ा सा पहले हम अभी एक चीज हम और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जब श्यामानंद जी को हम थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं कि जब श्यामानंद प्रभु जी अपना नाम उनका होता है दुखी कृष्णदास, उनके दीक्षा गुरु ने उनको क्या नाम दिया है, दुखी कृष्णदास, लेकिन उनका नाम हो जाता है श्यामानंद। तो जब उनके गुरु को पता चलता है तो वो खुद नाराज होते हैं और आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपना नाम क्यों बदला, तो वो बोलते हैं कि ये जो नाम है मुझे राधा रानी ने दिया है और आपकी कृपा से दिया है। तो वो उनसे नाराज होते हैं, लेकिन रात को उनको जब सपने में नित्यानंद प्रभु खुद आते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है, तो वो अपने श्यामानंद प्रभु को क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं श्यामानंद प्रभु और एक दिन वो बहुत बीमार हो जाते हैं। तो अपने जितने भी डिसाइपल्स हैं, जो जितने भी शिष्य, उनको बोलते हैं कि अब आप मेरी सही होने की प्रार्थना मत करिए, क्योंकि आई हैव गॉट अ कॉल, मुझे बुलावा किसका आ गया कि भगवान कृष्ण ने मुझे वापस बुलाया है। और आप लोगों को क्या करना है, आपको दिन रात, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 2 मिनट नहीं, दिन रात आपको हरे कृष्ण का चैंटिंग करना चाहिए। तो ये जो एक मैसेज है वो अपने शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति जो भी इसे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से जुड़ा है उनके लिए ये आज्ञा देखे जाते हैं। और यहाँ पर 1623 में वो अपना ये जो इस लीला को समाप्त करके वो अपनी प्रकट लीला में, नित्य लीला में चले जाते हैं। और वहां पे जितने भी वैष्णव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनकी 2 समाधियां बनेगी, एक समाधि तो जब वो नरसिंहपुर जो कानपुर में है अभी वहां पे है, और दूसरी जो उनकी समाधि है
वो वृंदावन में सेवा कुंज के पास ही श्याम सुंदर मंदिर के पास बनी। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो कृपा है हमारे को भी प्राप्त हो। तो ये आज आपके साथ मैंने शेयर किया श्यामानंद पंडित जी। हरे कृष्णा।